बड़ी जानकारी का बता दें आपको, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यमुनानगर से, जहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। यमुनानगर से बड़ी जानकारी, आग में झुलसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो बता दें आपको यमुनानगर से ब्रेकिंग न्यूज, मरने वालों में पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। तो यमुनानगर से बेहद ही दुखद जानकारी, जहां पर आग लगने से 4 मौत की जानकारी सामने आई है। पिता और 3 बच्चे इस भीषण आग में झुलसने से उनकी जान चली गई। और यमुनानगर से बड़ी खबर, और सुमित ओबेरॉय हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के लिए। सुमित, बेहद ही दुखद ये जानकारी, जहां पर आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही, किस तरह से पूरी घटना सामने आई? बिल्कुल, बेहद ही दुखद और बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो सामने आया है। देर रात यमुनानगर के सिटी सेंटर के पास कबाड़ के गोदाम में जो है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है भीषण आग लगी, और यहीं पर जो है लेबर के करीब 22 लोग यहां पर रहते हैं और 8 क्वार्टर यहां पर बनाए गए हैं। और जिस वक्त आग लगी तो आग इतनी भयंकर थी कि उसके अंदर एक ही परिवार के जो लेबर था, एक परिवार था नियामुद्दीन, उसका पूरा का पूरा परिवार झुलस गया, जिसमें से उस नियामुद्दीन और उसके 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई, और उसकी पत्नी भी गंभीर रूप से झुलसी है, जिसे कि सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को मिली तो तुरंत राहत बचाव के लिए टीमें रात 2:30 बजे से ही यहाँ पर टीमें डटी हैं। और उन्होंने, टीम के अधिकारियों ने बताया कि कैसे ही गोदाम के पास से जो है पीछे से रास्ता देखा गया कि कैसे अंदर जाया जा सकता है, तो दीवार तोड़कर पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने वहां पर दीवार तोड़ी और चार शवों को निकाला, और बाकी अन्य लेबर के लोग थे उनको वहां से सुरक्षित निकाला गया। और फिलहाल राहत बचाव कर रहे हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की अभी भी है, क्योंकि आग अभी धीरे धीरे जो है बिल्कुल कम हो रही है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत की खबर है, क्या और भी लोग घायल हुए हैं? फिलहाल एक ही परिवार के जो है 5 लोग घुसे थे, और जो बाकी अन्य लेबर की जिस प्रकार से जानकारी दी जा रही है कि 22 लोग यहाँ कुल रहते थे, जिसके अंदर से नियामुद्दीन का परिवार पूरे तरीके से झुलस गया था, और बाकी अन्य को जो है टीमों द्वारा जो मौके पर जो पहुंची थी सुरक्षित निकाल लिया गया, और नियामुद्दीन और उसके 3 बच्चे जो है उनकी जो है इस हादसे के अंदर, दुर्घटना हादसे के अंदर आग में झुलसने से मौत हो गई, और उसकी जो पत्नी है वो भी गंभीर रूप से झुलसी थी, जिसे कि सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। और जानकारी ये मिली है कि ये लोग करीब 12 साल से यहाँ पर गोदाम के अंदर काम कर रहे थे, यहीं पर रहते थे ये लोग, इनके लिए ऊपर क्वार्टर बनाए गए थे, और मूल रूप से ये लोग आप बिहार के रहने वाले हैं। अब तो इनके आसपास के जो जानकार हैं उनको भी ये सोचना मिली, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई, क्योंकि बेहद ही दुखद हादसा है, और आग में झुलसने से किस प्रकार से जो है एक ही परिवार के 4 लोग, और इस दुखद हादसे के अंदर जहाँ एक पिता शामिल है, तो वहीं उसके छोटे छोटे 3 बच्चे जो यहाँ पर क्वार्टर में उसके रहते थे वो भी इस आग में झुलस गए। फिलहाल यहाँ पर टीमें पहुंची हैं, लेकिन फिलहाल यही कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन इसका जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस आग के पीछे की क्या वजह थी। तो फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन की टीमें जो है अभी भी यहाँ पर जुटी हुई है, और जो शव निकाले गए थे उन शवों का आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी सुमित, कबाड़ का गोदाम था, एहतियातन क्या कुछ कार्रवाई पहले की जाती थी? क्या एहतियातन जरूरी कदम नहीं उठाए गए थे इस कबाड़ के गोदाम में, अगर इस तरह की परिस्थिति कभी बनती है तो उससे निपटा जा सके? पुलिस की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कुछ किया गया है या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, फिलहाल अधिकारियों का कहना था कि जो जिस प्रकार का ये हादसा है, फिलहाल उनकी जो प्राथमिकता थी कि जो वहां लोग फंसे हुए थे लेबर के, उनको निकालना था। जो है ये सब जांच का विषय है, जांच में होगा, क्योंकि अगर हम देखा जाए इस समय भी आग बेशक ही बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, धुआं उठ रहा है, लेकिन जो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, हालांकि काफी कुछ वहां पर डैमेज हो चुका है, लेकिन जो दीवारें हैं तो अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि इस प्रकार के जो दीवार है ये भी गिर सकती है। तो फिलहाल आसपास के बिल्कुल सुमित, अभी भी एहतियातन जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि और ये हादसा बड़ा ना हो जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।